हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बी वन ऑडियो पुणे में। हम आज आपके लिए लेकर आए बिल्कुल बिल्कुल सबसे अलग टॉप लेकर आए। जी हाँ, इसमें 6 टॉप, 6 HF लगेंगे, 6 स्टूटर, मतलब आप 750 लगा सकते हैं या 850 लगा सकते हैं, 6 स्टूटर लगेंगे और 4 स्पीकर लगेंगे। जो हमने यूज़ किया है 10 इंच, आप 12 इंच भी लगा सकते हैं, जो 10 इंच और 12 इंच दोनों के लिए अवेलेबल है। हमने इसको इसका पूरा डिज़ाइन आपको दिखाया है खोलकर, आप खुद अगर बनाने वाले होंगे तो आपको साइज़ दिखाया है हमने इसमें कैबिनेट का, बना भी सकते हैं कैबिनेट। सिंपल सा डिज़ाइन है, हमने ज़्यादा कुछ उसमें ऊंच नीच नहीं किया है। 6 HF लगेंगे और 4 स्पीकर लगेंगे। कैबिनेट का साइज़ भी बिल्कुल 4 फीट है, ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है कि इतना सारा मटेरियल बैठ रहा है तो बड़ा कैबिनेट होगा, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कैबिनेट आपके साइज़ में आएगा, बेस के अंदर ही, बेस के लगभग बराबर ही बैठ जाएगा, तो देखने में भी काफ़ी एकदम डिस्टेंस, मतलब अच्छी क्वालिटी में लग रहा है। और 18 mm, जैसे कि आपको मालूम है 18 mm टोटल गर्जन प्लाउड में अपना काम होता है, तो वही प्लाउड में खाँचे काम में बनाए गए, जैसे कि टॉप के अंदर के प्लाई फिट करने के लिए खाँचे होते हैं, ऐसे खाँचा मारा गया है इसके अंदर। आपको भी मैं वीडियो में दिखाऊँगा, टोटल डिज़ाइन दिखाऊँगा। और मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेड इन यूएसए की कोई ब्रांड है DS18, उस DS18 के कुछ स्पीकर और कंपोनेंट हमने उसने मंगवाए थे, HF स्टूटर वगैरह अलग अलग ब्रांड थे, तो उसके लिए हमने एक खास डिज़ाइन बनाया है। उसके जो थे DS18 के तरफ से, उन्होंने लाए थे 10 इंच के 1000 वैट के स्पीकर, जो 4 हमने एक टॉप में बिठाया और 2 लगाए थे उसने प्रेशर हाइस बोलते हैं उसमें, तो प्रेशर हाइस लगाए थे 600 वैट के, और दूसरा अपना नॉर्मल 750 या 850 जो भी आप मानकर चलिए, जो स्टूटर होते हैं उस कंपनी का कोई अलग सिस्टम है, उन्होंने 800 वैट का दिया है 3 इंच डायफ्राम में, मगर जो कुछ XYZ रहेगा हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, तो उससे वैसे वो 4 बैठेंगे। ऐसे टोटल सेंटर में हमने 6 HF दिया है और लेफ्ट राइट 2 स्पीकर दिया है 10 इंच का, 1000 वैट है। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने सुना है, आपको भी वीडियो की टेस्टिंग सुनाएंगे, बहुत ही क्लीन और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, आप भी सुनेंगे तो बिल्कुल बहुत खुश होंगे। जब तक हम इसको बनाकर टॉप टेस्टिंग करेंगे, बनाने के बाद आप तो वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको पता चल जाएगा, हमें जब तक तसल्ली नहीं होती कि क्वालिटी कैसी, हम तब तक तो आपके सामने वीडियो नहीं देखा। हमने बजाया, बजाने के बाद हमको लगा कि सही में कुछ दम है, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। DS18 की तरफ से ये स्पीकर वो हमारे फ्रेंड के लिए हमने बनाया है कैबिनेट, तो देखिए कैबिनेट देखेंगे, वीडियो देखिए। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनको भी इस अगर किसी को इस डिज़ाइन या किसी कैबिनेट की ज़रूरत हो सके तो ज़रूरतमंद के पास पहुँचना चाहिए अपनी, करिए। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, बेल आइकॉन दबाने के बाद आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन, मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा 10 इंच का DS18, ये स्पीकर हम लगाने वाले हैं, 2.5 इंच का वॉइस कॉल है इसका, 10 इंच का स्पीकर है, 1000 वाट बताया गया है कंपनी की तरफ से इसको। ये कनेक्टर, ये देखिए रिंग मैग्नेट है इसमें, न्यूडियम स्पीकर है ये, देखिए इसका फ्रंट साइड ग्लास फाइबर कोन है ये जी दोस्तों। और ये हम इसमें प्रेशर लगाने वाले हैं, ये ऐसे 2 प्रेशर रहेंगे सेंटर में, जिसका पावर कैपेसिटी जो RMS पावर होता है वो 300 वाट बता गया है। जो भी हम आपको ये 300 वाट, 600 वाट या 1000 वाट जो भी बताए, कंपनी ने बताया गया है जैसे कि स्पेसिफिकेशन में 8 ohms में, वही हम आपको बताते हैं, बाकी निकलता कितना है, प्रेशर कितना है, ये तो वीडियो के टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा, बताने से अच्छा आप अगर वीडियो सुनेंगे। टेस्टिंग हमने इसमें दिया गया है, ये देखिए इसका फ्लेयर कंपनी के साथ, मतलब HF के साथ में ही आपको फ्लेयर मिल जाता है। ये 10 इंच, ये प्रेशर, ये 10 इंच यहाँ फिट होंगे और आपका ये प्रेशर यहाँ सेंटर में, 6 HF लगेंगे इसमें टोटल। HF मतलब 2 अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, एक प्रेशर HF होता है और एक नॉर्मल HF होता है। और प्रेशर HF क्या होता है और HF क्या होता है इसके पूरा मैं अलग से बताऊंगा आपको, अभी बताने जाऊंगा तो ये वीडियो में अलग हो जाएगा। ये देखिए ये HF है अपना, जो कंपनी ने 800 वाट का बताया है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 8 ohms में 800 वाट, 800 वाट। रिंग मैग्नेट है, वॉइस कॉइल जो डायफ्राम है इसका 4 लेयर है अंदर से, बहुत ही पावरफुल है। और ये इसका DS18 का फ्लेयर, ये भी आपको फ्लेयर के साथ में ही मिल जाएगा।
आप अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा डीलर का। ये 10 इंच 4 लगेंगे एक कैबिनेट में, जो मिड का काम करेगा। ये देखिए स्पेशली मिड के लिए है, 2.5 इंच वाइस कॉइल है, तो आप समझ सकते हो कितना प्रेशर रहेगा मिड के लिए। और न्यूडियम स्पीकर है, सुपर मैग्नेट जो बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैग्नेट, रिंग वाले छोटे वो लगेंगे। ये वाला, ये दो सेंटर में लगेंगे और ये वाले इस चारों साइड में 4 लगेंगे। और ये जो है यहाँ 2 और यहाँ 2, ऐसे टोटल 4 मिड लगेंगे और 6 HF लगेंगे। ये कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ 4 फीट का है, ऐसे नहीं कि इतना सारा मटेरियल बैठ रहा है तो बहुत बड़ा होगा ये होगा। देखिए DS18 का यहाँ ब्रांड लोगो भी दिया गया है, ब्रांडिंग। और ये DS18 दोस्तों, यहाँ वो हमारे राउंड फ्लेयर लगेंगे जो आपने देखा है अभी DS18 की तरफ से। देखिए टोटल 18 mm प्लाई में काम होता है, वी शेप जो हम खाँचे में फिटिंग करते हैं, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा कोई भी आप बेस लेंगे, टॉप लेंगे, सब कुछ खाँचे में फिटिंग होता है। आप भी दोस्तों ये डिज़ाइन देखकर बना सकते हैं कैबिनेट, अगर कोई कैबिनेट बनाने वाला होगा तो। देखिए अच्छा रिस्पांस है, इस साइड में अभी हैंडल बैठेगा, हैंडल का काम नहीं हुआ है। ये बैक साइड है, HF इसके बैक साइड से लोड होंगे, फ्रंट साइड में एक बार फिटिंग होगा। ये देखिए ये स्पीकर का कैबिनेट है, लेफ्ट और राइट दोनों का स्पीकर कैबिनेट साइड साइड में होगा, चेंबर उसका अलग बनाया गया है। और यहाँ आपका LN की फिटिंग होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी दिखाया ये, और ये इसका ऊपर का जो कैप होता है वो फिट होता है LN के से। और यहाँ आपको 6 HF का बैक साइड है, तो पीछे से आप HF और प्रेशर जो भी कुछ डालेंगे उसको लोड कर ले सकेंगे इससे। ये एक मेरा काम चल रहा है अभी दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ हल्का हल्का, 2248 या 2248 ऐसे कुछ मॉडल नंबर है, एक कैबिनेट चल रहा है उसका काम है। देखिए अपना आज का कैबिनेट, ये भी हैंडल का काम होना बाकी है, बहुत सारा काम है। यहाँ हैंडल लगेगा लेफ्ट राइट दोनों साइड में, 4 फीट का कैबिनेट बनेगा। या फ्रंट इसका जो है सिर्फ 17 इंच है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कैबिनेट। ये देखिए मैं माप कर दिखा रहा हूँ आपको, ये 17 इंच है, ठीक है। और ये टोटल जो कैबिनेट है लेफ्ट से राइट तक पूरा पूरा दिखाओ भाई पूरा। ये देखिए ये है आपका सिर्फ 20 इंच, देखिए डिप जो है 20 इंच है। और ये लेफ्ट से राइट तक हम 4 फुट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये फ्लेयर लगेगा ऐसे, ये 6 फ्लेयर लगेंगे। ऐसे तो कंपनी की तरफ से फ्लेयर आया हुआ है, मगर हमारा ये जो फ्लेयर है ये अच्छे क्वालिटी का है, बजता भी अच्छा है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। आप कंपनी का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये देखिए अभी रहेगा ये तमाम दिखाना, तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये 4 फिट, ठीक है। और ये देखिए कैबिनेट को हम जब दूर से देखते हैं तो ये देखिए पूरी तरह से आपको दिखाई देगा, 6 HF और 4 10 इंच। ऐसे नहीं कि दोस्तों DS18 आप 10 इंच का कोई भी आपका भी स्पीकर होगा तो कैबिनेट बनाने वाले के पास से आप साइज़ वाइज वगैरह परफेक्ट निकाल कर बना सकते हो। ये दो 10 इंच का चेंबर है, अलग अलग से दिया गया है, और ये आपके 6 HF लगेंगे। HF आप कोई भी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का भी डालेंगे, HF 6 HF निकलेगा, प्रेशर अच्छा निकलेगा। आपके 10 इंच की मिड अच्छे होने चाहिए, मिड में प्रेशर होना चाहिए जो 6 HF को कवर कर सके। अगर HF मिड आपने हल्का लगा दिया कोई 10 इंच का तो आपके HF ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये बात का खास कर ख्याल रखना दोस्तों। ये रहा अपना कैबिनेट लोड होने के बाद में, ये DS18 का 10 इंच इस पर लग गया है। ये प्योर मिड है, 10 इंच बहुत मतलब बहुत लॉन्ग है, रिस्पॉन्स अच्छा है इसका। अभी मैं आपको इसका टेस्टिंग दिखाऊँगा सुनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये देखिए वायरिंग हो चुका है इसका। इसको दोस्तों हमने 8 ओम्स का सीरीज़ किया है, नीचे सीरीज़ में इसका 16 ओम्स हो गया, 16 ओम्स ऊपर हो गया, और ये आपका चारों मिलाकर जब आएगा बाहर तो ये 8 ओम्स में हो जाएगा। 2 कैबिनेट लगाएंगे तो दोनों मिलाकर 4 ओम्स में हो जाएगा टोटल। वायरिंग तो मैंने बता दिया है, अगर आपको ये 4 ओम्स में बजाना है एक कैबिनेट तो दोनों साइड का अलग अलग कर सकते हो आप। ये इसका होल मारा है मैंने, अभी तक स्पीकर प्लेट बिठाया नहीं। ये देखो ब्लैक बैक प्लेट इसका बैठ गया है, ये होल है वायरिंग पीछे लाने के लिए। देखिए LN की फिटिंग हो गई है बैक प्लेट का। इसको दोस्तों मैं कलर नहीं करूँगा अभी, पहले जाकर टेस्टिंग करूँगा, टेस्टिंग के बाद में। ऐसे तो मैंने एक बार कच्चा टेस्टिंग किया हूँ, फिर अभी जो परफेक्ट एयर टाइट वगैरह हुआ है अभी, तो टेस्टिंग करके टेस्टिंग वीडियो आपको ये भी सुनाऊँगा मैं। देखिए दोस्तों यहाँ से ये जाली बैठेगा अंदर के खाँचे में, इतने अंदर होगा,
जाली के लिए हमने जगह छोड़ा हुआ है।